Hello everyone, this is Dr. Dark and welcome back to our channel Dr. Dark and Caffeine. Today in this video, I'm going to unbox first expensive stethoscope of my life. Stethoscope एक ऐसी ज्वेलरी जिसे हर कोई नहीं खरीद सकता। तुम्हारे पास अगर पैसे हैं तो तुम डायमंड गोल्ड जैसी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन स्टेथोस्कोप खरीद कर भी तुम्हारे किसी काम का नहीं होगा। इसे पाने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी के क्रूशियल ईयर्स देने होते हैं। 2 साल तो अपने प्लस वन प्लस टू में लगाते हो, फिर उसके बाद कुछ बच्चे ड्रॉप लेते हैं मेरे जैसे, और उसके बाद 5.5 साल की MBBS करने के बाद कहीं जाकर तुम इस स्टेथोस्कोप को पहनने लायक बनते हो। डॉक्टर्स के सर का ताज होता है ये स्टेथोस्कोप, जो जनता को एक भरोसे का प्रतीक देता है। हर साल लाखों लोग इसे पाने के लिए जंग में उतरते हैं, लेकिन उसमें से कुछ हजार लोग ही सक्सेसफुल हो पाते हैं। इस स्टेथोस्कोप डॉक्टर्स के लिए किसी कोहिनूर हीरे से कम नहीं है। इस स्टेथोस्कोप को डॉक्टर्स इतनी इज्जत क्यों देते हैं, इसे समझने के लिए हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। जब से मानवता का विकास हुआ है और ह्यूमंस बीमारियों को समझने लगे हैं, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक को डिफरेंशिएट करने लगे हैं, और शुरुआत से ही ह्यूमंस को पता था कि हार्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडीज, द साउंड इट मेक्स एंड द साउंड ऑफ सराउंडिंग ऑर्गन्स कैन बी क्रूशियल इंडिकेटर्स इन एग्जामिनिंग अ पेशेंट। इन साउंड्स को सुनने को हम ऑस्कल्टेशन बोलते हैं। ये जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन का एक क्रूशियल पार्ट है, जिसके बिना पेशेंट को फुल एग्जामिन नहीं कर सकते हैं। साल 1800 तक डॉक्टर्स ये हार्ट और ब्रेथ साउंड्स पेशेंट के चेस्ट पर कान लगाकर सुनते थे, लेकिन इस कहानी ने एक नया मोड़ लिया जब सन 1816 में डॉक्टर रेने लेने के एक फ्रेंच डॉक्टर एक फीमेल पेशेंट को एग्जामिन कर रहे थे, लेकिन उनको ये ओल्ड मेथड से फीमेल को एग्जामिन करना बहुत ऑकवर्ड लगा और वो एम्बेरेस हो गए, और उनकी यही एम्बेरेसमेंट आज इस रिवोल्यूशनरी इन्वेंशन का कारण बनी। कहते हैं ना, नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। डॉक्टर लेने गॉट अ रिवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ मेकिंग अ प्रिमिटिव स्टेथोस्कोप। डॉक्टर लेने ने कुछ पेपर शीट्स लिए और उनको कोन की फॉर्म में तैयार किया। कोन का एक एंड पेशेंट की चेस्ट पर लगाया और एक अपने कान पर। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेथोस्कोप गाइस, यू कैन मेक इट इन योर होम। बट जैसे जैसे टाइम बीतता गया, डॉक्टर लेने ने अपने आविष्कार को इम्प्रोवाइज करना शुरू कर दिया, और उन्होंने उस पेपर शीट की जगह एक वुडन पाइप बनाया जिसमें एक चेस्ट पीस होता था और एक ईयर पीस होता था, और इस रिवोल्यूशनरी आइडिया ने जन्म दिया आज के हमारे इस मॉडर्न स्टेथोस्कोप को। लेकिन इस स्टेथोस्कोप की कहानी यही खत्म नहीं हुई, तो बस शुरुआत थी। डॉक्टर लेने ने एक अपना प्रोटोटाइप दे दिया था, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। उससे आप सिर्फ सिंगल कान से सुन सकते थे, यानी वो मोनो ओरल डिवाइस था। सन 1851 में डॉक्टर अर्थर, जो एक आयरिश फिजिशियन थे, ने इस मोनो ओरल डिवाइस को बायो ओरल डिवाइस में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद थोड़े बहुत चेंजेस हुए स्टेथोस्कोप में, लेकिन सबसे मेजर चेंज लाए 20th सेंचुरी में डॉक्टर डेविड लिटमैन। अब स्टेथोस्कोप एक अकॉस्टिक डिवाइस बन चुका था, जिसमें आप एम्पलीफाइड साउंड सुन सकते थे। हाँ, ये डेविड लिटमैन वही है जो लिटमैन का स्टेथोस्कोप पूरे वर्ल्ड में फेमस है। डेविड लिटमैन ने स्टेथोस्कोप का वेट रिड्यूस किया, उसके अकॉस्टिक वर्जन निकाले, उसके इलेक्ट्रिकल वर्जन निकाले। आज स्टेथोस्कोप आपके फोन से कनेक्ट हो सकता है, और ये सारी देन डेविड लिटमैन ने दी है स्टेथोस्कोप में, इसलिए डेविड लिटमैन इतने फेमस है। इस वीडियो में आगे डिस्कस करते हैं कि सारे मेडिकल स्टूडेंट्स की डॉक्टर्स की चॉइस लिटमैन स्टेथोस्कोप क्यों है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको फर्स्ट ईयर से ही लिटमैन लेने की जरूरत है। अगर आप फर्स्ट ईयर मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो आपको सिर्फ फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल्स में काम आता है स्टेथोस्कोप, जहां पर आप एक सस्ता सा स्टेथोस्कोप ले सकते हैं जो 500 या 300, 200, 400, 1000 तक की रेंज के आ जाते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्टेथोस्कोप लेना चाहते हो, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट ईयर में लिटमैन स्टेथोस्कोप लेना शायद ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली वो तुम्हारे किसी काम का नहीं है फर्स्ट ईयर में, अंटिल एंड अनलेस जब तक आप क्लिनिकल पोस्टिंग्स में नहीं जाते हो। फर्स्ट ईयर के बाद जब सेकंड ईयर में आते हैं, तब आपकी क्लिनिकल पोस्टिंग शुरू हो जाती है, जहां पर आप पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना सीखते हैं, जहां पर आपको एक्चुअल में रियल पेशेंट्स दिखाई देते हैं। तब आपको स्टेथोस्कोप की अहमियत समझ आती है कि एक्चुअल में ये किस काम आ सकता है। जब आप फाइनल में पहुंचते हैं और जब आपको मेडिसिन सब्जेक्ट को निकालने के लिए क्लिनिकल एस्पेक्ट समझने होते हैं, तब आपको मेडिसिन की अहमियत समझ आती है। और मेडिसिन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतनी आसानी से समझ नहीं आता, लेकिन डॉक्टर दीपक मरवा के लेक्चर्स आपको मेडिसिन से प्यार करने पर मजबूर कर देंगे। और हमारी ऑडियंस के लिए प्रेपलैडर ने डॉक्टर दीपक मरवा के लेक्चर्स 1 मंथ के लिए फ्री कर दिए हैं। तो आप डॉक्टर दीपक मरवा के सारे लेक्चर्स और मेडिसिन के क्यू बैंक्स फ्री एक्सेस कर सकते हो बाय यूजिंग आर कोड डॉक्टर डार्क 1। वैसे मुझे डॉक्टर दीपक मरवा को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, हम सभी जानते हैं। लेकिन अगर आप नहीं जानते हैं, तो आप इन फ्री लेक्चर्स के थ्रू डॉक्टर दीपक मरवा को समझ सकते हैं और मेडिसिन से प्यार करना सीख सकते हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको उनके लेक्चर्स कैसे लगे, कि आपको मेडिसिन से प्यार हुआ या नहीं हुआ। डॉक्टर दीपक मरवा प्रेपलैडर पर मेडिसिन के टीचर है। प्रेपलैडर इज अ प्लेटफॉर्म दैट ऑलवेज कम अप विद आइडियाज दैट इज बेनिफिशियल फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। दे आर कंडक्टिंग इंटीग्रेटेड सेशंस ऑन यूट्यूब। यू मस्ट बी थिंकिंग, व्हाट डज इंटीग्रेटेड सेशन मींस? टू फैकल्टीज ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स कम टुगेदर एंड दे डिस्कस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर मेडिकल प्रिपरेशन। दिस विल बी अ यूट्यूब लाइव एंड यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस लाइव सेशंस। दीस सेशंस विल लास्ट फॉर 26 जनवरी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब प्रेपलेटर्स यूट्यूब चैनल। इसमें आपका ही फायदा है, क्योंकि टाइम टू टाइम प्रेपलेटर फ्री कंटेंट रिलीज करता रहता है। जैसे पिछली बार हर एक सब्जेक्ट को 24 आवर्स के लिए प्रेपलेटर ने फ्री कर दिया था, तो ये सारी न्यूज आप प्रेपलेटर के चैनल पर जाकर देख सकते हैं। एंड ऑल लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड डोंट फॉरगेट टू मिस दिस गोल्डन चांस।
अब अपना ये लिटमैन स्टेथोस्कोप अनबॉक्स कर लेते हैं, मेरी जिंदगी का सबसे पहला लिटमैन का स्टेथोस्कोप, क्योंकि मैंने अभी तक बाकी वेरिएंट से ही काम चलाया और अपने दोस्तों के स्टेथोस्कोप से, तो आज इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। वैसे ये स्टेथोस्कोप मैंने SMB एक साइट है वहां से मंगाया। क्यों, इसका एक रीजन है, क्योंकि अमेजोन पर यह स्टेथोस्कोप आपको ऑलमोस्ट 10,000 का पड़ेगा विदाउट एनग्रेविंग, और उसमें ऑप्शंस भी बहुत कम है, लेकिन मुझे जो वेरिएंट चाहिए था वो सिर्फ इस साइट पे अवेलेबल था और मुझे ये 9,000 के अप्रोक्स पड़ा है। और उसके बाद इसमें मैंने एनग्रेविंग कराई है, उसके बाद भी मुझे ये इतना 9,000 में पड़ गया। तो आई विल शो यू व्हाट इज एनग्रेविंग, सो लेट्स अनबॉक्स दिस। द टाइम टू अनबॉक्स दिस, आर यू रेडी? मेरी जिंदगी का सबसे पहला महंगा स्टेथ। वैसे मैं क्लिनिक जाता था तो मैंने कई बार ऐसे डांट सुनी है कि तुम 10,000 के फ़ोन ले लेते हो, लेकिन जिस काम को, जो चीज़ तुम्हें पूरी ज़िंदगी और बेनिफिट देने वाली है, उस चीज़ में तुम इन्वेस्ट नहीं करते हो। लेकिन मैं तब भी इस चीज़ को खरीद नहीं पाया था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं लिटमैन पहनने लायक वर्थ इट नहीं हूँ, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन स्टार्टिंग में शायद मुझे वो मेरा गलत डिसीज़न था कि मुझे शुरुआत में ही लिटमैन ले लेना चाहिए था, सेकेंड थर्ड ईयर में, क्योंकि वो ये कि तुम चीज़ों को ढंग से परसीव कर पाते हो। लेकिन ये सृष्टि स्टेथोस्कोप ने भी बहुत काम दिखाया, बहुत सारी चीज़ें सीखने में हेल्प की है। सो फाइनली लिटमैन इट इज। एक लेटर है, सो ये लव लेटर दिया है मुझे डेविड लिटमैन सर की तरफ से। ओके, सो इसमें प्राइस लिख दिया है। Wow, man. It is smoky black. I really like it. So this is my first stethoscope, guys. I love it. तो इस साइट से मंगाने का रीजन ये भी था कि आप अपने नाम को एनग्रेव करा सकते हो लाइक दिस। तो ये स्टेथोस्कोप पे एनग्रेविंग कराने के बड़े सारे फायदे रहते हैं कि आपका स्टेथोस्कोप सिर्फ आपका रहेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा, अगर कर भी लेगा तो आसानी से पकड़ा जा सकता है। तो so this is the benefit of this stethoscope, so I really like it, and I really like this name, Dr. Mohammad Asad Ali Seth. लेकिन ये दोनों साइट एक साथ काम नहीं करती है, basically आपको इनमें स्विच करना पड़ता है। जैसे ये अभी बेल पर लगा हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक नॉच बनी हुई है, basically इस नॉच को अगर मैं इधर घुमाऊंगा इसका स्टैम्प पकड़ कर तो डायफ्राम ऑन हो जाएगा, अगर इस नॉच को मैं इधर घुमाऊंगा तो बेल ऑन हो जाएगा। तो बस इसका यही फंक्शन है, इसलिए मुझे साउंड नहीं आ रही थी। नाउ आई कैन हियर माई ओन हार्ट साउंड। It's good, guys. It's really good. Now I broke up with Srishti. My new friend is Dr. Littman. So ये लिटमैन इतना फेमस क्यों है? सारे डॉक्टर्स इसके पीछे क्यों पड़े रहते हैं? सारे मेडिकल स्टूडेंट्स को लिटमैन ही क्यों चाहिए? इसका भी एक रीजन है। सबसे पहली बात, लिटमैन स्टेथोस्कोप इज 4 times louder than other stethoscopes. And even it would pick most delicate sound which would otherwise unnoticed by the other stethoscopes. Second, लिटमैन स्टेथोस्कोप has flexible tubing. You can see it, definitely. This flexible nature of Littman definitely gonna ease you in clinical examinations. Littman stethoscope का सबसे beneficial point वो ये है कि आप जिस भी frequency की sound को सुनना चाहते हैं, आप उसके according उतना pressure देकर उस frequency को assess कर सकते हैं। जैसे इसके diaphragm को आप अगर थोड़ा light पकड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग डायफ्राम जो है वाइब्रेट करेगा, आप जितने प्रेशर से उसको पुश करेंगे स्किन के अगेंस्ट उतने ज़्यादा वाइब्रेशंस ये फैच करने लगेगा। सो बेसिकली दिस लिटमैन इज 1 time इन्वेस्टमेंट, तो सारे डॉक्टर्स इसीलिए इसके पीछे पड़े रहते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये कि आप लिटमैन का स्टेथोस्कोप गले में डालकर स्वैग मार सकते हो। हाउ दिस मॉडर्न स्टेथोस्कोप्स एक्चुअली वर्क, तो अभी इतना ज़्यादा बात कर ली, थोड़ा सा ज्ञान भी फैल देता हूँ। तो बेसिकली जो स्टेथोस्कोप का काम करने का तरीका होता है वो सिंपल, आप अपने ईयर ड्रम से रिलेट कर सकते हैं। स्टेथोस्कोप का जो साउंड पिक करने का जो एंड होता है बेसिकली वो ये होता है, जहाँ पर डायफ्राम और एक बेल लगी होती है। तो जो ऑर्डिनरी स्टेथोस्कोप होते हैं उसमें बेल इस टाइप की होती है जो डायरेक्टली साउंड को फैच करती है, डायरेक्टली वो बेल से साउंड जाती है, वाइब्रेशन जाती हैं और आपके ईयर्स तक पहुँचाती है। लेकिन जो दूसरी एंड होती है डायफ्राम, जो मेन एंड होती है जो हम हायर फ्रिक्वेंसी को फैच करने के लिए यूज़ करते हैं, तो उसका मेन फंक्शन कैसे होता है,
बेसिकली आप इसको स्किन पर टच करते हैं तो जो भी आपके ऑर्गन्स की साउंड होती है आपकी स्किन तक आती है। जैसे पहले डॉक्टर लेने से पहले के जमाने में डॉक्टर्स या फिजिशियन जैसे एसेस करते थे जो भी ऑर्गन्स को, वो कान लगाकर उस चेस्ट पर, जैसे आपको हार्ट की साउंड सुननी है तो कान लगाकर चेस्ट पर सुनते थे। लेकिन अब इस डायफ्राम की मदद से क्या फायदा हुआ कि डायफ्राम आपको स्किन तक जो भी ऑर्गन्स की साउंड है वो स्किन तक आएगी और इस डायफ्राम को वाइब्रेट करेगी जस्ट लाइक योर ईयर मेम्ब्रेन। अब ये डायफ्राम वाइब्रेट होने के बाद अब साउंड एम्पलीफाई कैसे होगी? अब डायफ्राम इतने बड़े साइज का है, उसके बाद ये नैरो ट्यूब जो इतनी लंबी साइज की है, इतनी लेंथ के होने के बाद अब जो साउंड इसमें वाइब्रेट हो रही है वो जो एयर इस ट्यूब में होगी उसको पुश करेगी, उसको इतनी फ्रिक्वेंसी से पुश करेगी क्योंकि ये बहुत नैरो ट्यूब होती है, तो उतनी ज्यादा साउंड इसकी एम्पलीफाई होगी क्योंकि इसका साइज के अकॉर्डिंग वो एम्पलीफिकेशन बढ़ जाती है। जो भी एम्पलीफाइड साउंड होगी वो इस ट्यूब से आपके कानों तक पहुंच जाएगी। अब बात करते हैं कि डॉक्टर्स के लिए स्टेथोस्कोप इतने जरूरी होते क्यों है। एक्चुअली ये स्टेथोस्कोप एक क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जब भी कोई पेशेंट आता है उसको असेस करने में। कैसे? पेशेंट आपके पास आता है तो आप सबसे पहले उसके वाइटल्स मॉनिटर करते हो, कितनी ऑक्सीजन सेचुरेशन है, कितना पेशेंट की पल्स चल रही है मतलब दैट इज हार्ट बीट, और कितना पेशेंट का बीपी है। पेशेंट का अगर बीपी लो है तो दिक्कत, पेशेंट का बीपी हाई है तो दिक्कत। और ये इतनी बड़ी चीज हम इतनी आसानी से पिक कर सकते हैं सिर्फ एक स्टेथोस्कोप और एक बीपी कफ की मदद से। सेकेंड जो रोल इंपॉर्टेंट प्ले करता है ये स्टेथोस्कोप आपके हार्ट साउंड को सुनने में, आपके हार्ट में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, काफी हद तक प्रॉब्लम्स ये स्टेथोस्कोप से आप पिक कर सकते हो। इसके बाद जो थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन आपकी बॉडी का दैट इज लंग, उसको भी उसकी भी बीमारियां पिक करने में ये स्टेथोस्कोप आपकी मदद करता है। तो बेसिकली हम लंग्स में कंपैरेटिव स्टडी करते हैं कि लेफ्ट साइड में कम सुन रही है राइट साइड में ज्यादा सुन रही है, उसके अकॉर्डिंग ये आपको हेल्प करता है कि लंग में कोई भी डिजीज हुई है या नहीं हुई है। पेशेंट के ऑल्टर्ड बॉल साउंड से पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को उसके इंटेस्टाइन में कोई डिजीज चल रही है। तो इन वाइटल ऑर्गन्स को मॉनिटर कर लेता है सिर्फ एक सिंपल सा स्टेथोस्कोप बिना किसी पेनफुल प्रोसीजर के, बिना किसी रेडिएशन एक्सपोजर के, इसलिए स्टेथोस्कोप इतना जरूरी होता है। बहुत सारी चीजें जो आप इस स्टेथोस्कोप से कर सकते हो, तो इसलिए स्टेथोस्कोप एक डॉक्टर का अहम हथियार होता है। तो दिस इज ऑल फॉर टुडेज वीडियो, लेकिन वीडियो खत्म करने से पहले मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ, व्हाट दिस स्टेथोस्कोप मींस टू यू। मेरे लिए स्टेथोस्कोप हमारी डॉक्टर्स की कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करने का एक सिंबल है और पेशेंट्स के लिए एक भरोसे का प्रतीक है। जब भी पेशेंट डॉक्टर्स के गले में स्टेथोस्कोप देखते हैं तो उनको एक भरोसा दिखता है। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप लोगों के लिए स्टेथोस्कोप क्या है। I'll see you in the next video. तब तक के लिए stay safe, keep studying.